हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि रंग कार्ड गेम कैसे खेलते हैं। देखिए, रंग कार्ड गेम को ना कोर्ट पीस भी कहते हैं। जी हाँ, कोर्ट पीस। ये गेम चार प्लेयर्स दो टीमें बनाकर खेल सकते हैं और जो पार्टनर होते हैं वो एक दूसरे के सामने बैठ सकते हैं। और गेम का मकसद ये होता है कि जो उनका विपक्षी होता है उससे ज्यादा कोर्ट स्कोर कार्ड्स की रैंक्स एस, हाई, किंग, क्वीन, जैक, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। पहला डीलर कैसे चूज करें? देखिए, पहला डीलर चूज करने के लिए सभी को कार्ड्स के एक शफल डेक में से एक एक कार्ड ड्रॉ करना होगा। देन हाईएस्ट रैंक के कार्ड वाला जो प्लेयर होता है वो ट्रम्प कॉलर बनता है। राइट साइड बैठने वाला प्लेयर डीलर बनता है। और अगर डीलर की जो टीम होती है वो डील जीत जाती है तो उसके ठीक राइट साइड वाला प्लेयर अगली डील करता है। लेकिन अगर ट्रम्प कॉलर की टीम एक कोर्ट जीत जाती है तो पहले वाले डीलर का पार्टनर डीलर बन जाता है। और याद रखिए, अगला जो प्लेयर होता है वो तभी ट्रम्प कॉलर बनता है जब पहले वाले ट्रम्प कॉलर की जो टीम होती है वो पारी को नहीं जीत पाती है, सिर्फ तब। आप सोच रहे होंगे वैसे ट्रम्प होता क्या है? दोस्तों, ट्रम्प एक कार्ड होता है जो तब खेला जाता है जब आपके पास ट्रिक के सूट का कार्ड नहीं होता है। अगर उस समय एक हायर ट्रम्प नहीं खेला जाता है तो ट्रिक ऑटोमेटिकली आपकी हो जाती है। इसलिए एज अ ट्रम्प आप हमेशा वही सूट चूज करने की कोशिश करें जिसमें ज्यादा से ज्यादा हाईएस्ट रैंक के कार्ड्स हों। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ट्रक या सर क्या होता है। देखिए, सर वर्ड का मतलब होता है ट्रिक या बारी। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर डील के बारे में। दोस्तों, डीलर कार्ड्स के डेक को शफल करता है और फिर उसे ट्रम्प कॉलर को देता है जो डेक को कट करता है। फिर वो 5-5 कार्ड सभी प्लेयर्स को उल्टे करके काउंटर क्लॉकवाइज डिस्ट्रीब्यूट करता है। ट्रम्प कॉलर अपने कार्ड्स को उठाता है और देखने के बाद ट्रम्प सूट डिक्लेयर करता है। बाकी प्लेयर्स तब तक अपने कार्ड्स को नहीं उठा सकते भाई जब तक ट्रम्प कॉलर ट्रम्प सूट सिलेक्ट नहीं करता। और याद रखिए, ट्रम्प सूट चूज होने के बाद फिर से सभी प्लेयर्स को 4-4 कार्ड्स को दो बार बांटा जाता है, तो यानी अब सभी के पास हो जाते हैं 13 कार्ड्स। ठीक है, चलिए बात करते हैं अंडर 10 रूल और रीडील के बारे में। देखिए, अगर ट्रम्प कॉलर के पास कोई भी फेस कार्ड नहीं आता है तो वो रीडील के लिए कह सकता है। चलिए अब गेम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ट्रम्प कॉलर पहले ट्रिक को लीड करता है और बाकी प्लेयर्स ट्रिक के सूट को फॉलो करते हैं। ठीक है, और उसी के हिसाब से उनको कार्ड्स खेलने होते हैं। सबसे ज्यादा कार्ड्स खेलने वाला प्लेयर 4 कार्ड्स के ग्रुप को उठाता है और अपने पास रख लेता है। फिर वो सूट से अपनी मर्जी की ट्रिक प्ले करता है। लेकिन अगर प्लेयर्स के पास सूट के हिसाब से खेलने के लिए कार्ड नहीं होते तो वो अपनी मर्जी से कोई भी नॉन ट्रम्प सूट या फिर ट्रम्प सूट प्ले कर सकते हैं और फिर हाईएस्ट ट्रम्प या हाईएस्ट कार्ड वाला प्लेयर ट्रिक लेता है। अच्छा, याद रखिएगा, अगर एक से ज्यादा ट्रम्प कार्ड्स प्ले होते हैं तो सबसे हाईएस्ट ट्रम्प रैंक वाला प्लेयर ट्रिक लेता है और ट्रिक का विनर ही अगली ट्रिक को लीड करता है। और इसी तरह गेम चलता रहता है जब तक कि सारे कार्ड्स खेले नहीं जाते। गेम को जीतते कैसे हैं? दोस्तों, सभी कार्ड्स खेलने के बाद जो टीम 7 या उससे ज्यादा ट्रिक्स जीत जाती है वो विनर टीम होती है। और गेम खेलने के लिए जो रूल्स होते हैं ना वो सेम होते हैं, सिर्फ ट्रम्प कॉलर या डीलर चेंज हो सकते हैं। गेम में अलग अलग प्रकार की कोर्ट्स होती हैं। एक पारी में 60 ट्रिक्स जीतने पर एक स्पेशल अचीवमेंट मिलती है जिसे कोट, कॉट या कैप कहते हैं। लगातार ट्रिक्स जीते रहने पर एक रेयर अचीवमेंट मिलती है जिसे बैवने या बॉनी कहते हैं। अगर डीलर की टीम लगातार 13 ट्रिक्स एक बार में जीत जाती है तो वो सिर्फ डील ही नहीं बल्कि कोट भी जीत जाते हैं जिसे गून कोट कहते हैं। गेम में एक प्लेयर बिना अपने पार्टनर से डिस्कस करे ये कह सकता है कि वो कोर्ट कर रहा है और अगर वो इसमें सफल हो जाता है तो वो जीत जाता है। अगर मान लीजिए कि वो हार जाता है तो ये उसके लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात होती है और फिर उसको घोड़ा कहा जाता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा इस रंग गेम के अलग अलग वेरिएशंस हैं। पहला, सिंगल सर। देखिए, गेम सभी बेसिक रूल्स के संग खेला जाएगा। 60 ट्रिक्स जीतने वाली टीम विनर होती है। डबल सर, इसमें प्लेयर को लगातार 2 ट्रिक्स जीतनी होगी जब तक ट्रिक सेंटर तक नहीं भर जाती। और याद रखिए, जब तक एक प्लेयर लगातार 2 ट्रिक्स जीतता है तो वो सेंटर से सभी कार्ड्स उठा लेता है। पहली 2 ट्रिक्स जीतने वाला प्लेयर कार्ड्स नहीं उठा सकता लेकिन दूसरी और तीसरी ट्रिक जीतने वाला प्लेयर 3 ट्रिक्स उठा सकता है। अब बात करेंगे डबल सर विद एस के बारे में। दोस्तों, एसेस के साथ लगातार 2 ट्रिक्स जीतने वाला प्लेयर कार्ड्स को नहीं उठा सकता और संग में ये भी याद रखिएगा कि दूसरी एस के साथ ट्रिक जीती हुई नहीं मानी जाएगी। एस के बाद सेकंड हाईएस्ट कार्ड प्ले करने वाले प्लेयर को अगली ट्रिक लीड करने का चांस मिलता है। चलिए अब बात करते हैं हिडन रंग के बारे में। दोस्तों, डबल सर वेरिएंट में पहला प्लेयर ट्रम्प्स के फर्स्ट 5 कार्ड्स में से एक ट्रम्प सूट चूज करता है और उसे बिना किसी को बताए उल्टा करके रख देता है। जो प्लेयर सूट को फॉलो नहीं कर पाता वो ट्रम्प दिखाने के लिए कह सकता है
और फिर यदि उसके पास ट्रम्प कार्ड हो तो उसे वो प्ले करना पड़ता है। चलिए अब बात करते हैं डमी डबी रंग के बारे में। देखिए, ये डबल सर का एक वेरिएंट होता है जो चार प्लेयर्स की जगह तीन प्लेयर्स खेलते हैं। फोर्थ प्लेयर एक डमी प्लेयर होता है। हर गेम में डमी प्लेयर को काउंटर क्लॉकवाइज अलग अलग प्लेयर का पार्टनर बनाया जाता है। फोर्थ प्लेयर के कार्ड्स फेस अप पोजीशन में रहते हैं, ठीक है, और डमी प्लेयर का पार्टनर डमी की टर्न के लिए जिम्मेदार होता है एंड जो स्कोर होता है वो ट्रिक और सर्स के नंबर पर बेस्ड होता है। और याद रखिए, जब स्कोर 104 पहुंच जाता है तो मैच खत्म हो जाता है। आई होप फ्रेंड्स आप इस गेम को खेलना सीख गए होंगे। फ्रेंड्स आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज इसको लाइक करें, शेयर कीजिए और कमेंट करें। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें।